साथियों मैं हूं देवनाथ त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो साथियों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं जो इंडियन आर्मी का जो रैली होने वाला है त्रिपुरा में, उसमें काफी सारे बच्चे ने मुझे कमेंट किया था सर एक सिलेबस बनाइए जो जीडी में हम जब एग्जाम देंगे उसमें किस पैटर्न से आएगा, कितना नंबर आएगा, कौन सी बुक फॉलो करना है, पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, नहीं तो इस वीडियो का आप बेनिफिट नहीं ले सकते, समझ में नहीं आएगा। तो साथियों सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी, उसके बाद आएगा सोल्जर ट्रेडमैन, उसके बाद सोल्जर ट्रेडमैन एट पास में क्या क्या आपको एग्जाम में आएगा और कौन सी बुक फॉलो करना है वो पूरे डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो साथियों इंडियन आर्मी सिलेबस फॉर सोल्जर जीडी, सोल्जर जीडी ट्रेडमैन 10 पास, सोल्जर जीडी ट्रेडमैन 8 पास 2021 त्रिपुरा अगरतला। ठीक है साथियों, जो त्रिपुरा का जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथियों सबसे पहले 10th पास सोल्जर जीडी में जो सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर, एक नंबर एक क्वेश्चन आपका आएगा दो नंबर की साथियों। ठीक है, तो आपका 15 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर, एक एक क्वेश्चन दो नंबर। उसके बाद मैथ्स आएगा 15 दो नंबर की 30, ये हो गया आपकी 90। लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दो मार्क की है 10 नंबर, टोटल आपका हो गया 100 नंबर। इसका जो पासिंग मार्क है 35, यानी आपने 35 का सर ने बताया है मैं 35 के क्वेश्चन करके आ जाऊंगा पास होऊंगा, नहीं, आपको कम से कम लगभग ये जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 100 नंबर के, आपको कम से कम 80 से 85 आपको स्कोर करना पड़ेगा तभी आप पास हो सकते हो, कट ऑफ में तभी आएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली मतलब पासिंग मार्क बताएगा। ठीक है साथियों ध्यान देना वीडियो को। उसके बाद सोल्जर ट्रेडमैन जो 10th पास में जो बच्चे अप्लाई किया है इनके लिए कौन सी आएगा, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन 30 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स 15 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का हो गया आपको पासिंग में 32। ठीक है, उसमें क्या है कट ऑफ ज्यादा होगा, ट्रैक में अप्लाई बहुत बच्चे कम करते हैं। ठीक है, इसको आपको इसको कम से कम आपको 90 से 95 तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद 8 पास सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी 8 पास वाला, ध्यान देना साथियों, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन 30 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ 15 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 100 नंबर। ठीक है साथियों, पासिंग में 30। ठीक है, उसमें कम से कम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, यही है कम से कम आपको 90 से 95, क्योंकि उसमें बच्चे अप्लाई ज्यादा करते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया आप बीच में पॉज करके दोबारा इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, अगर इससे अलावा आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात, ये जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर फिजिकल करनी है और मेडिकल, बस उसमें आराम से पास हो सकते हो। ये जो मैं आपको बताया गया है क्राइटेरिया इसी का अंदर आना चाहिए आपको। अब मैं बताता हूँ बुक्स क्या क्या फॉलो करना है, आप देख सकते हो स्क्रीन में शो कर रहे हैं। ठीक है, एसके वाला बुक्स जो है राम सिंह यादव वाला, ये वाला बुक्स फॉलो करनी है, अरिहंत की जीडी वाला जो बुक्स है इसको भी फॉलो करना, तरुण पब्लिकेशन बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तरुण पब्लिकेशन जो बुक्स है अच्छा है, एनएल वाला जीडी, इसमें सिर्फ मेडिकल के ऊपर भी दिया गया है, इसमें मेडिकल फिजिकल और जितने क्वेश्चन है पूरे दिया हुआ है, ये तीनों बुक्स आपको फॉलो करनी है। अगर आपने तीनों बुक्स फॉलो कर लिया मैं गारंटी देता हूँ 110% आराम से पास हो सकते हो, कोई रुक नहीं सकता, ये बुक्स पक्का फॉलो करना। ठीक है साथियों, आप लोगों ने जो कमेंट किया उसी आधार पर मैंने वीडियो बना दिया हूँ,
अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, दोस्तों के पास भी भेजना है क्योंकि उनको भी इनकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है साथियों, बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप लोगों ने जितना शेयर करोगे वीडियो को, सभी को वीडियो को पहुंचे, उनको भी मदद मिले। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।